टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज क्या बकचोदी होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के प्रैंक विद आंटी से लेकर प्रैंक विद क्यूट गर्ल तक। इसमें कुछ आए या ना आए, इसमें तुम्हें मजे भर भर के आने वाले हैं। देखो YouTube पे तुम्हें हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो प्रैंक करने वाले लौंडे होते हैं इनमें अलग करने की चाहत कुछ अलग ही होती है, और इस अलग करने की चाहत में ये कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बहुत ही अलग हो जाता है। देखो पहले के प्रैंक ठीक थे यार, पहले के प्रैंक में लोग भूत बनकर डराते थे या फिर किसी क्यूट गर्ल का नंबर कैसे लिए वो बताते थे, और ज्यादातर प्रैंक तो क्यूट लड़कियों के ऊपर हुई होता था क्योंकि वो क्यूट होती है ना। तुम्हें दिल्ली में उतनी स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेंगे जितने दिल्ली में तुम्हें प्रैंक स्टार मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रैंक करने वाले लड़कों की भरमार पड़ी है यार, नहीं मतलब तुम्हें यमराज एक बार मिलने को मुश्किल हो जाएगा, पर ये प्रैंक कहीं भी तुम्हें असर हो सकता है। अब देखो तुम दिल्ली के सीपी से लेकर दिल्ली के सरोजिनी नगर तक कहीं भी तुम चले जाओ, तुम्हें ये प्रैंक पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जब भी जाना अपनी तस्वीर पर बचा था। अब देखो ये रिफोर मानो सब करके थक चुका है, अब इसे व्यू नहीं आ रहे, अब ये क्यूट गर्ल के पास जाके उनसे दूध मांगेगा। देखो मुझे ये नहीं पता कि ये बकचोदी किस स्थान पर हो रही है, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ अगर यहाँ पे ये बकचोदी कर रहा होता ना तो पहले वो लड़की गिरा के मारती, उसके बाद पब्लिक अपने हाथ साफ करती, दूध की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ बकचोदी अलग चल रही है, वो लड़का दूध मांग रहा है और लड़की मुस्कुराया जा रही है, नहीं मतलब क्या उसने कुछ आपको कोई ऑफर दे दिया है, ये तो बताओ। मुझे नहीं पता ऐसी लड़कियां किस प्लैनेट पे पाई जाती हैं, लेकिन ये तुम शुक्र मनाओ बेटा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के लड़कियों से ऐसा मत बोलते हैं, नहीं वहाँ पे तुम्हें ऐसी मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ वो बात अलग है कि बाद में जो होता देखा जाता, लेकिन ये लड़की स्माइल क्यों दे रही है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी जाके अपने दोस्तों को बताएगी कि मैं ना यू पेड़ के पास खड़ी थी और एक लड़का ना मुझसे दूध पिलाने की बातें कर रहा था। अभी भोसड़ी की कोई अच्छी बात थोड़ी ना जो तुम स्टोरी बताओगे। देख आंटी अगर तू इस लंगूर की ऐसी बदतमीजी वाली बातें सुन रही है ध्यान से ना, तो जरूर तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो चलिए यार आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। मैं भी चलता हूँ, बाय। पाटिल ये तू झिंचक पूजा के गाने क्यों सुन रहे है, इससे अच्छा तो बाबा भोसड़े के गाने सुन लेता, कम से कम कुछ अच्छा तो लगता। मस्ती में फिर भी काम किया बेटा, खड़ा किया पिल्लर, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइफ बेटा थ्रिलर, घूमे फिरे।